हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गोल कुकिंग। कैसे हैं आप सब? और आप सबको एडवांस में ईद मुबारक, और अल्लाह करे खुशियों से भरी हमारी ईद गुजरे। और आज ही मैं कलेजी बना रही थी, मैंने कहा ईद स्पेशल कलेजी बना लेती हूँ, तो भूल ही गई हूँ मैं कि कैमरा में ऑन कर दूँ। मैंने तड़का वगैरह लगा दिया, प्याज लहसुन मिर्ची को लाल करके, और वो सोते कर लिए। उसके बाद मैंने टमाटर डाले, फिर मैंने लाल मिर्च, हल्दी, नमक ये सारा डाल दिया, और ये रेड वाली जो लाल मिर्चें होती हैं मोटी वाली, उनको मैंने मोटा मोटा काट लिया, ये मैंने डाल दी। वो सारा मसाला फ्राई हो गया, पक गया, तो उसके बाद मैंने ये कलेजी ऐड कर ली, छोटे छोटे पीसेस काट के। तो ये मैंने डाल के कलेजी, और अभी इसे मैं बना रही हूँ। तो भूल ही गई हूँ कि मैंने पूरी वीडियो बनानी थी, अभी मुझे याद आया तो मैं भाग के गई हूँ कैमरा लेके आई हूँ। तो ये कलेजी बन रही है, और अभी 12 बजे मंडे का दिन है, तो कल माशाल्लाह हमारा 14 अगस्त है, तो 14 अगस्त सबको मुबारक हो। प्राउड ऑफ पाकिस्तान, वी आर पाकिस्तानी, वी आर प्राउड ऑल पाकिस्तान। बहुत ज़्यादा खुश है, इंडिपेंडेंट डे जब हमारा आता है तो डबल खुशी है। एक तो हमारी बड़ी ईद आ रही है, और एक हमारा इंडिपेंडेंट डे, और सबसे बड़ी बात जो हज पे गए सब हाजियों को दिल से मुबारकबाद उनको, और अल्लाह पाक हमें भी तौफीक अता फरमाए, हिम्मत दे, तौफीक की बात भी अलहदा है, हिम्मत दे कि हम वहाँ पे जा सकें और हज कर सकें। तो ये किसी किसी के नसीब में होता है, तो अल्लाह पाक सब के नसीब में करे। तो ये हमारी भी आज बन रही है कलेजी। जायका अच्छा है बहुत ज़्यादा, और साथ में मैंने जीरा और धनिया कूट लिया है, ये देखिए ये मैंने कूट लिया इसमें, और ये अभी इसमें डालूंगी। तवा भी घर में, अभी मैं रोटियां डालती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ये साथ में रोटी बन रही है, ये देखें रोटी पक गई है, अभी मैं इसे उतार लेती हूँ, अभी दूसरी रोटी डालती हूँ। ये देखें कलेजी हमारी बनने वाली है, हल्का सा ऑयल ऊपर आ गया, गल गई है। ये रेड चिली डालने का, जो लाल मिर्चें मोटी कटी हुई, ये डालने का मकसद ये है कि इसमें जो हमन सी आती वो भी नहीं आएगी, और अच्छी सी स्पाइसी भी होगी, तो गरम मसाला भी ज़्यादा नहीं होगा। ये रही हमारी मज़ेदार सी कलेजी। और ये मैंने धनिया डाल दिया इसमें। तो बहुत ही मज़ेदार सी कलेजी हमारी बनी है, आप भी बनाएं, ईद पे बनाएं, और कुर्बानी अगर जहाँ पे आप रहते हैं आपने की है, तो ताज़ी कलेजी की बात ही और होती है। अगर हम ताज़ी कलेजी उसी वक्त बनाते हैं तो बहुत मज़े की बनती है। ये तो मैंने फ्रीज़र से रात को निकाल के रखती थी, तो अल्लाह पाक सब की कुर्बानी को कबूल फरमाएँ, और क्या कहते हैं, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त देती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।